दोस्तों आज मैं आपके सामने दो तरह की मटरी की रेसिपी लेके आए दिवाली चल रही है पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ये देख सकते हैं ये मेरा नमकीन मटरी काफ़ी क्रंची बना है और ये देख सकते हैं ये है। ये, सकते है। ये, ल, ये जो मीठी मटरी है वो तो इतना अच्छा देखी 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 टूट रहा है और आवाज कर रहा है यानी आपकी मटरी बहुत अच्छी बनी है तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले मीठी मटरी के लिए मैंने यहाँ एक कप के करीब चीनी लिया है अब जाएगा यहाँ पे हाफ कप के करीब पानी और अब हम इसे गैस में चढ़ा देते हैं तब तक मैंने यहाँ पे एक बॉल में पेन में एक का तो आटा आ, एक कप के करीब मैदा एक कप के करीब लिया है चाहे तो आप पूरा मैदा का यूज़ कर सकते हैं छुटकी भर नमक छुटकी भर सोडा यहाँ मैंने ऐड कर देना और अब जाएगा रिफाइन ऑयल दो से तीन टीस्पून के करीब और अब हम क्या करना है इसे एकदम तो अच्छे से मिक्स कर देना है आटे को मसल मसल के मिलाना है ये चीनी की चाशनी मेरी तब तक हो रही है तो आटा को आप चाहे तो मुट्ठी बना के चेक कर सकते हैं अगर मुट्ठी बन जाए तो ये समझिए आपका मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसमें तो थोड़ा थोड़ा तेल डा पानी डाल के इसे हम गुथेंगे हमें बहुत ज़्यादा टाइट ताए, हल्का टाइट घुटना है हमें तो ये देख सकते हैं गुथ चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसे ढक के दस मिनट के लिए रख देंगे और चीनी की चाशनी मेरी हो चुकी है तो इलायची का पाउडर हम यहाँ कुटी हुई इलायची ऐड कर देते हैं और इसे चला लेते हैं और चाहे तो चाहे कर ले एक तारिनी की चाशनी बनी यानी अब लेयर मट्टी बनाने के लिए हमें ना शटर बनाना पड़ता है तो शटर बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मैं सबसे पहले दो टी स्पून दो कप टी स्पून के करीब रिफाइन में मैदा डाल के मिक्स कर ले अब यहाँ पे मैदा मेरा आटा जो है ये दस मिनट हो चुका तो अब इसे एक बार मिला ले और इसका चार भाग कर ले चार से पाँच भाग और अब हम क्या करेंगे चार से पाँच भाग करने के बाद इसे हम बेलेंगे इसे हमें एकदम पतला बेल बेलना है जितना पतला हो सके तो ये देख सकते हैं बेल ये मैंने सारा बेल लिया है तीन से चार बार और अब क्या करना है अब हम इसमें सटर लगाएंगे और सटर को हमें एकदम अच्छे से फैलाना है ताकि ये आपके पूरे मैदा में चल जाए तो आप दूसरा इसी में फैला लेंगे और उस पर भी हम सटर लगाएंगे इस तरीके से आप चार से पाँच लेयर बना लीजिए इससे क्या होगा ना आप जितना लेयर बनाएंगे जितना बार आप रखेंगे उतना आपका लेयर बनेगा मटरी पर तो मैंने यहाँ पर ना इस तरीके से चार या आज रख लिया है और अब फिर क्या करेंगे फिर से हम ये मोटा हो गया तो फिर से हम ये क्या करेंगे फिर से हम आटा लगाएंगे और फिर से हम बेलेंगे ताकि एकदम पतला लेयर हो जाए पतला हो जब तक तो पतला अच्छे से ना हो जाए तो ये देख सकते हैं और अब हम किसी भी ढक्कन या किसी भी चीज के सहायता से इसे कट कर लेते हैं ता ये देख सकते हैं मेरा मटेरियल मैंने सारा कट कर इसी तरीके से कट कर लेना है और इसमें कोई भी डिजाइन दे सकते हैं तो मैंने यहाँ पे सर्सी की सहायता से इसे बीच में गोल कर दिया इससे क्या होगा ना बाहर वाला लेयर बन जाएगा तो इस तरीके से आप सारा मटरी देख सकते हैं मेरा हो चुका है तो अब हम तलेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे मटरी बनाने का मटरी बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना कि आप जब भी इसे बनाएं लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाएं इसे क्या होगा मटरी काफ़ी क्रंची बनती है और हम और इसका लेयर देख सकते हैं कैसे निकल निकल के बाहर आ रहा है और कितना अच्छा बना है ये मटरी तो अब हम इस सारे मटरी को हमें तल लेना है और तलने के बाद अब अब क्या करेंगे चीनी की चाशनी जो मैंने बना कर रखी थी उसमें एक तीस सेकेंड के लिए डाल के हम निकाल देते हैं और इस तरीके से आप सारा निकालें और ये देख सकते हैं आपका मीठी मटरी पूरी तरीके से तैयार हो चुके है कोई यकीन करेगा इतना अच्छा घर में बनाया ये आप चाहे तो आ, अगर दिवाली के टाइम पे मेहमान आ जाए उसे खिलाइए खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें आप ड्राई फ्रूट से गार्निश कर ले तो इसकी सुबह और बढ़ जाती है तो अब हम बनाने वाले हैं नमकीन मटरी तो मैंने एक कप के करीब सूख किया हुआ मूँग दाल लिया था वो मैंने चार घंटे के लिए सूख करके रखा था ये मैंने हल्का पीस लिया अब थोड़ा पानी हम ऐड कर देते हैं इससे क्या होगा ना हल्का स्मूथ हो जाएगा ये मूँग दाल तो अब ये देख सकते हैं अच्छे से पिसा चुका तो यहाँ मैंने हाफ कप के करीब सूजी लिया है सूजी से क्या है ना ये मटरी जो है काफ़ी क्रच जी बनता है तो अब हम क्या करेंगे हुआ मूँग दाल को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अब जाएगा एक कप के करीब आटा आप चाहे तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं और अब जाएगा इसमें नमक स्वाद अनुसार रेड मिर्ची का पाउडर अजवाइन अजवाइन डाइजेशन सिस्टम के लिए कलौजी और अब जाएगा सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर अब हम क्या करेंगे यहाँ जाएगा हल्दी हल्दी से एक अच्छा मटरी का कलर आ जाए और कसूरी मेथी कसूरी मेथी टेस्ट मटरी में बढ़ा देगा आप जाकर रिफाइंड ऑयल या घी कोई भी ले सकते हैं मैंने यहाँ तीन से चार स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल लिया अब हमें क्या करना है एकदम तो अच्छे से मिलाना है है ताकि ये जो है पूरा ऑयल जो है पूरे आटे में मिक्स हो जाए तो इस तरीके से मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डल कर इस ऐसे हम आटा गूँथेंगे हमें सॉफ्ट डो हल्का टाइट डो चाहिए आम, तो हम इसे आटे से अच्छे से गूथें ये देख सकते हैं या मेरा आटा अच्छे से गुंज चुका है तो अब हम इसे क्या करेंगे ढक के दस मिनट के लिए रख देंगे क्योंकि ऑयल जो है अच्छे से सेट हो जाए इसके लिए भी हमें स्वेटर बनाना आपको याद जब भी आप लेयर मटरी बनाए ना आप उसके लिए स्वेटर बनाना बहुत ज़रूरी होता है तो यहाँ मैंने तेल और मैदा अच्छे से मिक्स करके इसका घोल बना लिया और ये मेरा दस मिनट हो चुका है तो अब हम इसे अच्छे से सबसे पहले हमें आटा को मिला लेना है और इसका जो डो है अब हम लेंगे और इसे बी लेंगे इस तरीके से सबसे पहले गोल कर लेना है और इसे आटा में भिंगा भिंगा के हमें बेलना है अच्छे जब तक तो आटा जो है एकदम बढ़िया आकार में बेलना जब तक तो इसका जो अनिमकी से भी हमें पतला रखना है मटरी को एकदम पतला होना चाहिए क्योंकि जब भी आप लेयर मटरी बनाते हो ना तो इसका लेयर एकदम पतला होना चाहिए तो अब हम क्या करेंगे इसमें सटर लगाएंगे और सटर को पूरे अच्छे तरीके से हमें फैला लेना है ताकि पूरे मैदा में लग जाए और इस तरीके से हम गोल 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 करते जाएंगे इस तरीके से मोड़ लेंगे और अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से धीरे 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 करके कट कर लेंगे और ये देख सकते हैं मैंने कितना पतला पतला कट कर लिया है और इस जब पूरी तरीके से कट हो जाए तो आप इसे इस तरीके से दबा ले यहाँ पे और ये देख सकते हैं मेरा सारा मटरी तलने के लिए रेडी हो चुका है तो हम तेल को यहाँ पे गरम कर लेते हैं एकदम हल्का गरम करना है हमें जब लो फ्लेम पे हो और सारी मटरी को हम अच्छे से 10 मिनट हमें तलने में लगेगा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे तले और ये देख सकते हैं मेरा मटरी लेयर वाली मटरी तैयार हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए इस दिवाली में और अगर मेरी चैनल को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे थैंक यू